ओए माँ, हाय हाय भाई, भाभी रोमांटिक लग रही है। पर साथ में ये एक्शन हीरो कौन है? एक्शन हीरो के साथ रोमांटिक हीरो भी लगता है, डबल धमाका है। मेरी रिंग वापस दे। क्या हुआ? अबे दे। ये लो। अरे भाई वो पानी कम चाय है, वो VCD है तो ब्लू रे हो। ले तू रख ले। थैंक यू। हाय पोपर। हाय नंदनी, ये कौन है? मेरे कजन का साला। अच्छा साला, टेंशन में डाला। मैं हूँ पोपट, लोकल पॉर्न स्टार। अरे हाँ। साले को लेके जा, पानी पूरी, मसाला पूरी, दही पूरी, सूखा पूरी सब खिला के लेके आ। मैं और नंदनी कॉर्नर की सीट पे बैठेंगे। हाँ, हम साथ में नहीं बैठ सकते। काइको, मेरे गेस्ट को बुरा लगेगा ना, मैं इन्हें जबरदस्ती यहाँ लाई हूँ। अगर मैं इनके पास नहीं बैठी तो इनको ही नहीं, मेरे भैया और भाभी को भी बुरा लगेगा। चलो सिद्धू। भाई के साले के साथ कॉर्नर सीट पर क्यों बैठेगी? इंतजार करो, इसका जवाब तो पिक्चर में ही मिलेगा। मतलब वो बॉयफ्रेंड भी हो सकता है? क्या क्या, घोड़ी तुम्हारी और घुड़सवारी वो करेगा? मैं उसे घोड़ी चढ़ने नहीं दूंगा। चलो झिंगुर सुन, करते वो दोनों क्या कर रहे हैं? भाभी तो शुरू हो गई है भाई, पर चिपकली उससे चिपक तो नहीं रहे ना। रंधेरे का फायदा कोई छोड़ता है क्या? अगर मैटिनी शो में ये इतने बिंदास है तो नाइट शो में क्या कुछ नहीं करते होंगे। मैं कुछ नहीं करने दूंगा, इसके पिक्चर क्लोज कर दूं क्या मैं? यहाँ पब्लिक को परेशानी होगी, इंटरव्यू में उसका काम तमाम कर देंगे। सुनो, मेरा माल गंदा हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए बंदी के लिए फिनाइल और बंदे के लिए चाकू लाया हूँ। जैसे ये चाकू मैं इसके अंदर डालूंगा, तुम लोग मेरा फोटो खींच लेना। वो किस लिए भाई? फेसबुक के लिए रे। एक पॉपकॉर्न, एक कोल्ड ड्रिंक, मीडियम फ्रेंच फ्राइज। वो चिपकली का है? वो क्या सामने खड़ा है, मुफ्त में हमारी टिकट पर पिक्चर देख रहा है और भाभी के पैसों से पॉकेट में पॉपकॉर्न और समोसे खाएगा। ये चाकू मारकर वो पॉपकॉर्न निकाल लूंगा। देख रहे हो क्या? मजाक कर रहा था बे। थिएटर में कह रहे थे कि पब्लिक को परेशानी होगी, यहाँ कह रहे हो कि मजाक कर रहा था। तू चुप रह, नहीं तो तेरे को घोप दूंगा। प्लानिंग कर रहा हूँ बे, प्लानिंग से मारेंगे। सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं। तेरे सॉरी से ये सूखेगा क्या? प्यार से एक जप्पी दे दे, सूख जाएगा। छी, ए गीला करके कहाँ चली? चुप चुप, बहुत बोल दिया तू। अरे भाई गलती से हो गया होगा, जाने दो ना। मुझे टच करता है, विज्जू भाई को टच करता है, ऐसे का देख रहा है साले, मारेगा मुझे, मारेगा। क्या? मैं तो बॉडी लेने आया भाई। लेके निकल। जी भाई। चलो। ए, हाथ से खून क्यों आ रहा है? टमाटर सॉस है। टोमेटो सॉस? समोसे वाले के पास कागज नहीं था तो सॉस हाथ में ही दे दिया। हाथ धो लेना। बाय। गुड बाय। चालू है, चालू है, चालू। भाई ऐसे नीट पीते रहे तो लीवर खराब हो जाएगा। अगर खराब हो जाएगा तो पैसे उधार लेकर अपोलो हॉस्पिटल जाकर नया डलवा लूंगा। पता है इस देश को टेररिस्ट और आतंकवादियों से खतरा नहीं है, अगर खतरा है तो दिल तोड़ने वाली आतंकी लड़कियों से। भाई साफ साफ बोलो ना। तो सुन, चालू लड़कियां बार डांसर की तरह होती हैं, अंधेरी काली रातों में जुगनू की तरह मंडराती रहती हैं, सरकते पल्लू से शर्मा के, हम दिल पे काशिकों के अरमानों को भी सरकाती रहती हैं, अंदर घुसते ही कस्टमर फंसती हैं, अपना इंटरेस्ट घटाती बढ़ाती हैं, रिजर्वेशन का कह के जनरल डिब्बे में बिठाती हैं। भाई ने रिजर्वेशन की बात की, सोच रहा हूँ गाँव चला जाऊँ। 5 साल, पूरे 5 साल उसके चक्कर में वेस्ट किए। अगर नंगे पैर इंडिया दर्शन करता तो गिनीज बुक में नाम आ जाता। जैसे आइसक्रीम खाकर कप फेंकते हैं, चाय में मक्खी गिर जाए तो उस मक्खी को निकाल कर फेंकते हैं, वैसे इस इनोसेंट मासूम भोले नटखट पोपट को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया। भाई हिम्मत मत हारो, अपनी फीलिंग बता दो, काम बन जाएगा। ए, अगर उसने कहा कि वो उसी लड़के से शादी करेगी तो बुके और गुलदस्ते में सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। वो तो है। लगता है इस पोपट की मैना किसी और डाल पर कूक रही है।
डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? आप उसके सगे माँ बाप ही हैं ना? जी साहब। तो आप दोनों ने 14 साल की बच्ची को स्टेरॉइड्स दिए ताकि वो 18 साल की लग सके। कैसे माँ बाप हैं आप? हमने नहीं दिए हैं साहब, नरपत के भाई भैरव और टैक्सी सेठ ने दिए हैं। गरीबी की वजह से हमें बच्चों को काम पर भेजना पड़ता है, वहाँ वो लोग उन्हें स्टेरॉइड देते हैं ताकि वो जवान लग सके और उनसे धंधा करवा सके। हमारे बच्चों के साथ वो लोग बहुत अन्याय करते हैं साहब, और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कोलकाता की आधी से ज्यादा टैक्सियां टैक्सी सेठ की हैं। वो लड़कियों को फुसला कर ले जाते हैं और फिर धंधे पर लगा देते हैं। कुछ लड़कियों को तो वो विदेशों में भी बेच देते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। तो आप दोनों ने उनकी कंप्लेन पुलिस में क्यों नहीं की? उनके खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत नहीं है। किसी में हो ना हो, मुझ में है। What? जी, मरने से पहले लड़की ने भैरव का नाम लिया था। ये रहे उसके ब्लड सैंपल्स और डीएनए रिपोर्ट्स। पहला ऐसा मर्द देखा जिसमें इतनी हिम्मत है। उसे अरेस्ट करने के लिए इतने सबूत काफी हैं। कहाँ से तू? क्या जीजू, एनिवर्सरी पे भी लेट। लंच के लिए घर आने वाले थे ना, कहाँ है? मैं पुरानी बिनी मिल्स जा रहा हूँ। बिनी मिल्स? वहाँ क्या काम है आपको? बहुत ही जरूरी काम से जा रहा हूँ। सीमा से कहना खाना खा ले, मैं बाद में आऊंगा। ठीक है, जल्दी आइए। यहाँ क्यों आया है? भैरव कहाँ है? पुलिस वाले और कुत्ते यहाँ अलाउड नहीं है। क्या रे इंस्पेक्टर, आज यूनिफॉर्म में मुझे अरेस्ट करने आया क्या? ठीक कहा तूने, पहली बार तेरे खिलाफ कोई सबूत लेकर आया है। लेकिन इसे ये नहीं मालूम है कि मैं आप ही का आदमी। अच्छा हुआ ये कहीं और नहीं गया। क्यों रे डॉक्टर, जो बीमारी फैल रही है उसके बारे में सोच। इस देश के लिए अफसोस क्यों कर रहा तू? शहर के किसी भी कोने में अगर तू मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा तो इस दुनिया से उठ जाएगा। उसने खुद को बेच दिया होगा, पर अगर पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो सारे सबूत मीडिया देखेगी और हिंदुस्तान फैसला करेगा। हाँ जीजू, मैं भैरव हूँ। भैरव, मैं लड़कियां बेचूं या लोगों को मारूं, कोई मुझसे सवाल नहीं करता। आज तू भले मुझे मार दे, पर बहुत जल्द तू कुत्ते की मौत मरेगा। हेलो जीजू, जीजू। कलकत्ता पर राज मेरा और मेरे भाई का है। जीजू! ए, तू डॉक्टर का साला है ना? हाँ। उसके पास भैरव भाई के खिलाफ सबूत थे तो भाई ने उसे मार दिया। बॉडी वहां पर है, चाहिए तो ले जा। जीजू, 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 जीजू। बॉडी ले और यहां से चलता बन। अगर तूने कंप्लेन करने की कोशिश की तो तेरा भी यही हाल होगा और तेरी बहन का भी। अगर बच्चे हुए तो उन्हें भी मार देंगे। तुम में से भैरव कौन है? मैंने पूछा भैरव कौन है? कौन है भैरव? मैं हूं मैं। क्यों मारेगा तू मुझे? ए, अगर कलकत्ता के किसी चौराहे में बीच बाजार तुझे नहीं मारा ना तो मेरा नाम सिद्धार्थ सिद्धार्थ नायक नहीं रहेगा। Thank you.
मुझे मत मारो, बख्श तो मुझे। कितने लोग तेरे आगे गिड़गिड़ाए होंगे, तूने माफ किया उन्हें? मारो साले को। मार दो। ए, क्या कसूर था मेरे जीजा जी का? तेरे खिलाफ कंप्लेन की यही ना?